वो पश्चिम बंगाल में इनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, केरल में लेप्को गाली देते हैं, पश्चिम बंगाल में कुर्सी की आस में लेप्को गले लगाते हैं, खुद को सेक्युलर बताते हैं, लेकिन असम, पश्चिम बंगाल और केरल में संप्रदाय के आधार पर बने दलों के साथ दोस्ती करते हैं। सत्ता के सामने इनको कुछ नहीं दिखता। इसी कारण अब कांग्रेस के लोगों की बातों पर देश में कोई भी भरोसा नहीं कर रहा। भाइयों और बहनों, असम ने तो इनको बरसों तक परखा है। असम के मूल निवासियों के साथ कांग्रेस का क्या रवैया रहा है वो आपसे बेहतर कौन जानता है। यहां के मूल निवासी कब से जमीन का अधिकार मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने दिया ही नहीं। ये एनडीए की सरकार है जिसने 3.25 लाख से ज्यादा जमीन के पट्टे दे दिए हैं, बाकी भी बहुत जल्द लोगों को मिल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस ने चाय बागान में काम करने वाले परिवारों को भी बरसों तक अभाव में रखा। बीते 5 सालों में भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने टी गार्डन में काम करने वाले साथियों की पढ़ाई, कमाई और दवाई से जुड़ी जरूरतों के लिए एक के बाद एक कदम उठाए हैं। चाहे राजनीति के साथियों, चाहे उनके लिए राजनीति का रास्ता है, चाय पर राजनीति करने की उनकी आदत है, लेकिन ये न भूले, चाय जनजाति के साथियों और इस जनजाति से निकली महान विभूतियों को मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन देने के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, और दिल्ली की सरकार हो, असम की सरकार हो, हमारे लिए प्रतिबद्धता का विषय है। टी गार्डन्स में काम करने वाले श्रमिक साथियों की दैनिक मजदूरी बढ़े, इसके लिए भी असम सरकार पूरी तरह गंभीर है। इस सरकार में 2 बार श्रमिक साथियों की दैनिक मजदूरी बढ़ाई गई है। ये मामला कोर्ट में इसलिए और कुछ मुश्किलें जरूर आ रही है, लेकिन असम में एनडीए की सरकार दोबारा बनने के बाद इस दिशा में और तेजी से कदम उठाए जाएंगे। मैं आपको यही कहूंगा कि जितना काम असम में चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए बीजेपी सरकार ने किया है उतना किसी ने भी नहीं किया है। केंद्र सरकार ने भी इस वर्ष के बजट में 1000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान टी गार्डन में काम करने वाले साथियों के लिए किया है। भाइयों और बहनों, बीते 5 साल में हमने असम के विकास को नई रफ्तार दी है। इस बार एनडीए के उम्मीदवारों को, इन सभी साथियों को मिला हुआ हर वोट असम के तेज विकास के लिए वोट होगा। एनडीए को मिलने वाली ताकत असम की आत्मनिर्भरता को ऊर्जा देगी। एनडीए को मिलने वाला हर वोट यहां उद्योग और रोजगार के अवसरों को और बढ़ाएगा। अखमोर समूह, रायजोक, आगंतुक, रंगोली, बिहू, सर्वेक्षा और उलोग जैसे इतनी कड़ी धूप में, इतनी बड़ी तादाद में आपका आना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को आपकी सेवा करने का 5 साल का दोबारा मौका देना आपने तय कर लिया। मैं आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।